मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला वाकया लिखते हैं, खाना खा के मैं लेटने लगा तो मदरसे का एक तालिब इल्म आ गया, क्या हजरत इजाजत हो खिदमत कर दूं। फरमाया कि चलो आज पंखा झोल दो। अब वो बड़ा पंखा तालिब इल्म का तो झोल रहा है और मैं बैठा हूँ, वो इतनी बेतमीजी से झोलता, कभी मेरे कान पे मार देता है, कभी मेरे मुंह पे मार देता है। बर्दाश्त किया कि वाकया जी हजरत इजाजत है, मैं जाऊँ, मेरा सबक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ जाओ। चला बाहर जाकर अपने हमजोरियों में कहेगा आज हजरत जी की खिदमत करके आया हूँ मैं, फख्र करेगा मैंने देखो खिदमत का मौका मिला। बिल्कुल यही हाल हमारी इबादतों का, हम इबादतों का इसी तरीके से कुछ ऊपर निकालते हैं। कभी क्याम खराब कर दिया, कभी रुको खराब कर दिया, कभी सजदे में दुनिया का ख्याल ले आए, टूटी फूटी इबादे लंगड़ी उलूली करके अल्लाह को भेजते हैं और मस्जिद से बाहर निकल के कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली, हम जुमा पढ़ के, हम ईद पढ़ के हैं, लेकिन कोई अल्लाह से पूछे इसने मेरी इबादत की क्या दुर्गत बनाई, ये मेरी लुत्फ इनायत है, मैंने इस बेचारे पर कर्म करके इसकी इबादत पर सत्तारी का पर्दा डाल दिया, दूसरों पर इसकी इबादत की हकीकत को जाहिर नहीं किया। अगर इसकी हकीकत जाहिर हो जाए तो दुनिया वाले उसको कबूल नहीं करेंगे, चेचा को दुनिया का मालिक उसको कबूल।